नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन जिसके पिछले लेक्चर में हमने देखा ऑफ फंक्शन आज के इस लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे यूजिंग लॉगरिथमिक लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर टेन क्या होगा तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है टेन एक्स टू पावर नाइन वो कैसे तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस वन फिर हमने कहा कि टेन टू पावर एक्स का क्या होगा तो आप कहेंगे टू पावर एक्स लॉग क्योंकि इसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ए टू पावर एक्स इक्वल टू ए टू पावर एक्स लॉग ए लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि एक्स टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो ये बता पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वेरिएबल रेस टू कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास है कॉन्स्टेंट टू वेरिएबल का भी फॉर्मूला हमारे पास है लेकिन वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है और प्रॉब्लम हमारे लिए बेस वाला एक्स नहीं है पावर वाला एक्स है तो कुछ ऐसा करना होगा ताकि पावर का एक्स नीचे आ जाए तो एक बात आप हमेशा याद रखना वो लोग ही हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं और वो लोग ही हैं जो किसी को नीचे गिराते हैं यहां पर लोग का मेरा मतलब है लॉगरिथमिक। आपको याद होगा कि लॉग का एक प्रॉपर्टी होता था लॉग एम टू पावर एन अब ये पावर साइड में गिर जाता था एन लॉग एम लोग ही हैं जो नीचे गिराते हैं मतलब पावर को लॉग नीचे की साइड में लेकर के आ जाता है सो so, थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन को वाई लेट कर लेते हैं एंड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा ये लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स अब यहां से लॉग वाई जो आ रहा है ये पावर क्या हो जाएगा साइड में आ जाएगा एक्स लॉग एक्स अब क्या है ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन चुका है जिसका डिफ्रेंशिएशन हमने पिछले लेक्चर में सीखा था तो जब भी फंक्शन रेस्टू फंक्शन हो या फिर ढेर सारे फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर के आ रहे हो तो ऐसे केसेस में हम लॉग लेकर के फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे ये पहला फंक्शन टू फंक्शन है देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स टू दावर जी एक्स ये बनेगा लॉग वाई इज इक्वल टू ये जो पावर में जी एक्स है लॉग इसको नीचे गिरा देगा तो ये बन जाएगा जी एक्स इन टू लॉग ऑफ एफ एक्स अब ये इम्प्लीसिड फंक्शन हो चुका है यार लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स और यहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं सेकेंड है यहाँ पर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं तो एक तो तरीका है कि आप मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा तो यदि हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा लॉग वाई लॉग ऑफ दिस, दिस का मतलब क्या आपको याद होगा लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन तो हम लॉग एम इंटू लॉग एन को हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स प्लस लॉग एच एक्स अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थर्ड है वाई इक्वल टू दिस यहां पर फंक्शन मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं और पावर में वन बाई टू रूट का मतलब क्या होता है वन बाई टू तो जब हम लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ वाई टू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स इन टू जी एक्स इंटू एच एक्स टू दावर वन बाई टू क्योंकि रूट का मतलब वन बाई टू तो यहां से लॉग वाई आ रहा है ये पावर क्या हो जाएगा साइड में वन बाई टू और ये, तो ये मल्टीप्लाई है तो लॉग एफ एक्स प्लस प्लस लॉग एच एक्स हैं एंड अगला है वाई इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर वन बाई एल इंटू जी एक्स टू दावर वन बाई एम डिवाइडेड बाई एच एक्स एच एक्स टू दी पावर वन बाई एन यहां पर फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड होकर के आ रहे हैं और पावर भी फ्रैक्शन है जब हम लॉग लेंगे तो लॉग इक्वल टू क्या होगा ये मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा एफ एक्स टू पावर वन बाई एल प्लस लॉग जी एक्स टू प्लस लॉग एच एक्स टू पावर वन बाई एन अब इसका पावर क्या होगा नीचे गिर जाएगा वन बाई एल लॉग एफ एक्स प्लस वन बाई एम Log Gx N log Hx. अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे या तो फंक्शन इज टू पावर फंक्शन उसमें हमें लॉग लेना होगा या फिर ढेर सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड होकर के आएंगे तो उस केस में भी लॉग लेकर के पहले फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे तो चलिए इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स मीन्स फंक्शन इज टू फंक्शन सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x टू दी पावर एक्स यहां से आएगा लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन लेकिन वाई का भी करेंगे तो डी वाई यू लॉग समथिंग का वन अपॉन समथिंग और फिर समथिंग का करना पड़ता है अब राइट हैंड साइड में दो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं फर्स्ट फंक्शन होल्ड पर सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स है उसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस इस बार लॉग एक्स होल्ड पर और फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन तो यहां से जो डी वाई आ रहा है वो आ रहा है वाई इंटू लॉग एक्स अब हम क्या करते हैं y का वैल्यू पुट कर देते हैं वो कितना था x टू दी पावर x तो जो फाइनली हमारा डीवाई बाई डी आएगा एक्स टू पावर एक्स वन प्लस में लॉग एक्स और एक्स टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं वो क्या होता है एक्स टू दावर एक्स इन टू वन प्लस में लॉग एक्स सेकेंड फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स टू दावर साइन एक्स अगेन फंक्शन एक्स टू फंक्शन सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दावर साइन एक्स यहां से लॉग वाई क्या आ रहा है साइन एक्स पावर में है तो वो नीचे गिर जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स अब हम इसको डिफरेंशियट कर सकते हैं बोथ साइड डिफ्रेंशियस लॉग वाई का डिफरेंशियन अपॉन वाई इंटू डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में दो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं फर्स्ट फंक्शन होल्ड पर सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स होल्ड पर और फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स तो डीवाई बाई डीएक्स आएगा वाई राइट हैंड साइड में वाई इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स अब हम डीवाई बाई डी एक्स का अगर वैल्यू पुट कर दें वाई का वैल्यू पुट कर दें वाई का वैल्यू कितना है एक्स टू दी पावर साइन एक्स तो ये होगा एक्स टू दावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है और ये फंक्शन एज टू फंक्शन टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ब्रह्मास्त्र भी हमारे पास है लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को हम अगले वीक में देखेंगे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा जो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है वाई इक्वल टू साइन एक्स टू लॉग एक्स अगेन फंक्शन टू फंक्शन सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग वाईक्वल ये लॉग साइड में आ जाएगा लॉग साइन एक्स टू दर लॉग एक्स ये लॉग साइड में आ जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका क्या होगा वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन होल्ड पर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन होल्ड पर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स और इसका डिफरेंशिएशन लॉग समथिंग का वन अपॉन समथिंग इंटू समथिंग का भी करना होगा प्लस log sin x into log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x सो so, dy by dx ये y राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये log x into cos x upon sin x cot x log sin x upon x हम क्या करते हैं y का वैल्यू कितना था हमारा sin x to the power log x तो dy by dx जो फाइनली आएगा sin x to the power log x into log x into cot x plus log sin x upon x ये इसका फाइनल आंसर है अगला क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स फंक्शन एज टू फंक्शन रिज टू फंक्शन है तो इसमें दो बार लॉग लेना पड़ेगा सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जब पहली बार लॉग लेंगे तो क्या होगा लॉग वाईक्वल टू इसके पावर में क्या था एक्स टू दावर एक्स वो साइड में आ जाएगा बचेगा लॉग एक्स अब एक्स टू दावर एक्स है अगेन फंक्शन इज टू फंक्शन इन्वॉल्व है एक बार और लॉग लेना पड़ेगा अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड द लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम

न अपॉन वाई लेकिन ये एक्स नहीं था वाई था तो उस वाई का भी डिफरेंसिएशन होगा ध्यान दीजिएगा लॉक समथिंग चेन रूल से हम कर रहे हैं का डिफरेंसिएशन वन अपॉन समथिंग फिर अगेन लॉक समथिंग का वन अपॉन समथिंग फिर समथिंग का भी तो करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन रूल यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो कह रहे हैं फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस ये क्या है लॉग ऑफ लॉग एक्स तो सबसे पहले पहले लॉग का डिफ्रेंसिएशन इसके अंदर में ये है तो लॉग समथिंग का वन अपॉन समथिंग फिर लॉग एक्स अंदर में है तो उसका वन अपॉन एक्स तो यहां से डीवाई बाई डी एक्स जो आ रहा है वाई इंटू लॉग ऑफ वाई राइट हैंड साइड में चला जाएगा ये कैंसिल हो कि वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स अब यहां वाई का वैल्यू कितना था एक्स टू दी पावर एक्स टू पावर एक्स तो डीवाई बाई डी एक्स जो आएगा दिस इन टू लॉग वाई का वैल्यू कितना होगा का वैल्यू यहां से देखिए एक्स टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स था तो हम यहां से क्या करते हैं लॉग वाई का वैल्यू ये पुट कर दे रहे हैं इंटू वन प्लस एक्स लॉग एक्स ये आपका फाइनल आंसर है अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ जिसमें ढेर सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड होकर आ रहे हैं सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या रहे हैं तो लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ जी एक्स और ये डिवाइड होकर क्या रहा है तो माइनस लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये पावर साइड में आ जाएगा एक्स लॉग ई प्लस इसका पावर भी साइड में आएगा लॉग कॉस एक्स माइनस टू Sin x. अब बेस e, में कुछ भी नहीं है मतलब ई e है तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा अब ये इसमें कहीं भी फंक्शन एस टू फंक्शन नहीं है सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसको हम आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग वाई का वन अपॉन वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर सिर्फ एक्स बचा एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा अब देखिए लॉग समथिंग है तो पहले समथिंग लॉग समथिंग का वन अपॉन समथिंग और समथिंग का भी तो होगा समथिंग था डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स माइनस टू बाहर निकल जाएगा अगेन लॉग समथिंग है तो पहले तो वन अपॉन समथिंग और उसके बाद समथिंग का डिफ्रेंसिएशन साइनेक्स का कॉश एक्स तो यहां से जो डीवाई बाई डीएक्स आ रहा है वो आ रहा है वाई इन टू वन माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉश एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस टू कॉशिक्स अपॉन साइन एक्स कॉटेक्स अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं वाई का वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं ये आपका फाइनल आंसर है ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी एक ब्रह्मास्त्र हम लोग नेक्स्ट वी, वीक में डिस्कस करेंगे जिसमें ढेर सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड होकर के आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम पांच सेकंड में निकाला करेंगे लेकिन अभी तो आप जेन्यन तरीका से ही सॉल्व करें अगेन ढेर सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड होकर के आ रहे हैं सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ जो भी था इसके पावर में वन बाई टू क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर वन बाई टू लॉग वाई इज इक्वल टू ये पावर साइड में गिर जाएगा अब लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू क्योंकि ये न्यूमरेटर में थे माइनस डिनोमिनेटर वाले नेगेटिव माइनस में हो जाते हैं लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव अब इसको हम डिफ्रेंशियट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग तो और अपॉन तो समथिंग तो यहां से वाई बाई डी एक्स वाई राइट हैंड साइड में चला जाएगा वाई बाई टू इंटू दिस अब इस वाई का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं तो डीवाई बाई डी एक्स क्या रहा है इंटू अंडर रूट दिस इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव ये आपका फाइनल है अगेन ढेर सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड होकर आ रहे हैं सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो लॉग वाईल टू लॉग दिस प्लस लॉग दिस क्योंकि ये नोमिनेटर में थे इसलिए प्लस साइन से और जो डिनोमिनेटर में माइनस लॉग दिस माइनस लॉग दिस लॉग वाई इज इक्वल टू ये पावर साइड में आ जाएगा थ्री लॉग एक्स प्लस वन बाई टू लॉग फाइव प्लस एक्स माइनस फाइव लॉग सेवन माइनस थ्री एक्स माइनस वन बाई थ्री लॉग एट प्लस फाइव एक्स क्या हो रहा है पावर साइड में आ रहा है अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लॉग वाई तो का वन अपॉन वाई इंटू इक्वल टू थ्री इंटू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस वन बाई टू बाहर निकल जाएगा लॉग समथिंग का वन समथिंग फिर समथिंग का करेंगे तो वन आएगा माइनस फाइव बार निकल जाएगा लॉग समथिंग का वन अपॉन समथिंग इंटू समथिंग का माइनस थ्री माइनस वन बाई थ्री बार निकल जाएगा लॉग समथिंग का वन अपॉन समथिंग इंटू समथिंग का फाइव तो यहां से जो डीवाई बाई डी एक्स आ रहा है वाई राइट हैंड साइड में चला जाएगा वाई इंटू दिस हम क्या करते हैं वाई का वेलू पुट कर देते हैं तो यह डीवाई बाई डी एक्स आएगा दिस इंटू दिस ये आपका फाइनल आंसर है अगला जो फंक्शन है इसमें एक से ज्यादा फंक्शन एस टू फंक्शन इन्वॉल्व होंगे बट प्रोसेस हमारा सेम होगा सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा लॉग वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दावर वाई यहां से पावर नीचे गिर जाएगा तो एक्स लॉग वाई दिस इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स अब ये इम्प्लीसिट फंक्शन बन चुका है सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेफ्ट हैंड साइड में भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं और राइट हैंड साइड में भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर सो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे पहला फंक्शन होल्ड पर दूसरा फंक्शन है तो इसका y, लेकिन x नहीं y था, तो इसका लेकिन नहीं था उसका भी होगा प्लस होल्ड पर और एक्स का डिफ्रेंसियन वन ये लेफ्ट हैंड साइड का कहानी है राइट हैंड साइड में जो आएगा वो होगा वाई होल्ड पर लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स होल्ड पर और y का dy बाई डी एक्स अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो फाइनली जो dy बाई का वैल्यू आ रहा है y ये आपका आंसर है सेकेंड क्वेश्चन इसमें भी दो फंक्शन एस टू फंक्शन इन्वॉल्व है सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा लॉग एक्स टू दावर वाई प्लस Log y पावर x दिस इज इक्वल टू लॉग 1 ये बनेगा वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई दिसवल टू जीरोक्वल टू माइनस x लॉग x y, तो y, y अब यही क्वेश्चन तो है बस नेगेटिव है तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो आएगा माइनस ऑफ वाई इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इन टू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस एक्स टू दावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई टू द पावर एक्स सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग लेंगे तो वाई लॉग कॉस एक्स इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम यहाँ से दो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से फाइनली जो डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है स वाई प्लस y टेन एक्स डिडेड बाई लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स tan y एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्स इंटू वाई दावर एक्स माइनस y टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई ये पावर साइड में आ जाएगा लॉग ई e. ये लॉग एम इंटू एन फॉर्मूला x एक्स प्लस लॉग वाईल और log e का वैल्यू कितना होता है 1 अब ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू तो एक्स माइनस वाई बन चुका है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद में डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनली वैल्यू आ रहा है डीवाई बाई डी एक्स का वो आ रहा है एक्स बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई प्लस वन